नहीं होगा तब तक ये शरीर आपका काम नहीं कर सकता। इसलिए मन की पवित्रता बहुत ज्यादा है और मन से ही कर्म शुरुआत होते हैं। कर्म की शुरुआत वहीं से होती है। कैसे? अभी आने का समय है, आप बाहर निकले, एक ठेला पर बहुत सुंदर सा आम बेच रहा है, उसकी सुगंध को स्मार जो सुगंध है उससे प्रभावित होकर के आप ठेले वाले के पास जाते हैं, आपने एक आम खरीद लिया। जब आपने आम खरीदा और आम को खरीद करके जाकर के दूसरे खाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आम को खरीदने के पीछे मात्र केवल एक ही व्यक्ति आपका एक ही स्वार्थ है, उसके रस को चखना, और कोई भी स्वार्थ नहीं है, केवल मात्र एक ही स्वार्थ है कि रस को चखना। आम खाते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, खाते आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे ही आम का रस खत्म होता है आप गुठली को फेंक देते हैं, और गुठली को फेंक करके आप आगे बढ़ गए। क्या गुठली फेंकने के पीछे आपका कोई उद्देश्य रहा? कोई नहीं रहा ना, लेकिन कर्म किया ना। गुठली फेंकने के पीछे उस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, चाहे वो गुठली जाकर के जमीन पर गिरे, चाहे वो गुठली जाकर के पत्थर पर गिरे, चाहे झाड़ियों में गिरे, कहीं भी गिरे, उससे कोई उसका मतलब नहीं रहता है। लेकिन वही गुठली जाकर के अगर भूमि पर गिरती है तो धातुओं का स्पर्श होता है, और धातुओं का स्पर्श के साथ में वो पेड़ अंकुरित होता है। अगर किसी ने काटा नहीं तो बड़ा सा वृक्ष बनता है और मीठे मीठे फल देता है। ये भूमि का धर्म है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, जैसा आप कर्म करेंगे उसी अनुसार से कर्म का फल आपको प्रतिक्षण प्राप्त होगा। कर्म किया आपके द्वारा, इसलिए मुझे कहते हैं पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ करके वर्तमान में जीना चाहिए। और जो व्यक्ति वर्तमान में अच्छे से जी लेता है, सचेतन अवस्था के साथ में जीता है, अपने सब कर्मों के साथ में जीता है, तो उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों ही अच्छा होता है, क्योंकि जो बीत चुका है उसको सुधारा नहीं जा सकता है, और आने वाले के कल के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए पता क्या वर्तमान बता, वर्तमान पता है जो सच्चाई है वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में किया गया कर्म ही आपका पास्ट और फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त करता है, और वही जो चेतना होती है वही आपके कर्म फल को आगे बढ़ाती है। जो बीज आप बोते हैं वही बीज, चाहे वो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो वो बबूल का उत्पन्न होगा, आम का लगाएंगे तो आम, चाहे कर्म आप किसमें भी करिए, अचेतन अवस्था में भी किया गया कर्म का फल आपको मिलेगा, सचेत अवस्था में भी किया गया कर्म का फल आपको मिलेगा, और अनजाने में भी किया गया कर्म का फल आपको ही मिलेगा। इसलिए कुछ कहते हैं कि बिना मन के कोई व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है। मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है, दुश्मन को देख करके जब आपको क्रोध उत्पन्न होता है, क्या दुश्मन को देख करके आप शरीर से गंदा फटाने को मार देते हैं? क्या उठता ही नहीं है जब तक मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, और वो चेतना उत्पन्न नहीं होती है तब तक ये पाप का शरीर काम नहीं करता है। जब मन में क्रोध उत्पन्न होगा, शरीर में आवेश आएगा, तब आप अपने हाथ से डंडा उठा करके उसको पीटने का काम करेंगे। तो मन ही मनुष्य कर्म प्रधान है, और कर्म की प्रधानता के साथ में मन की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन आपका शुद्ध हो गया तो ये काया और वाणी अपने आप शुद्ध हो जाती है। इसलिए
जो भी आपका कर्म होता अपना बीज होते मनुष्य की जो खेती है जिसमें वो बीज होता है वो मन है। मन में ही जैसा बीज आप अंकुरित करेंगे उसी के अनुसार से आपको कर्म प्राप्त होता है। इसलिए संपत्ति पहली यात्रा में भगवान ने कर्म किया, ये दुष्ट वचन से किसी कार्य को कोई करता है तो उसके पीछे उसी तरह से दुख लगा रहता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी का पीछे। फिर दूसरी यात्रा में कहते हैं पसंद न हुआ भाषा से बात करो तो आप छाया हुआ पंखा। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त से चित्त की शुद्धता के साथ चित्त के कुशल कर्म के साथ में किसी बात को बोलता है या किसी कार्य का संपादन करता है तो उस व्यक्ति के पीछे सुख उसी तरह से लगा रहता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई। परछाई कभी साथ करती है ना, हमेशा आपके साथ में रहता है, वो सुखद प्रदान करता है। इसी तरह से छाया के साथ में वो हमेशा आपके पीछे पीछे लगी रहती है तो ये सुखद का प्रणाम। इसलिए हम सभी को उपासना को पास करें और सभी लोग जो इस पृथ्वी पर प्राणी हैं सब तो हैं सबका दायित्व बनता है कि कर्म फल को बता करके रखिए। व्यक्ति अपने कर्मों से ही पूजा जाता है, इसलिए उसने कहा आता ही अंतर ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। इस संसार में आपका कोई स्वामी नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है, आप खुद ही अपने मालिक हो। लेकिन आप अपने मालिक तो फल को समझते नहीं है। हम अपने मालिकों को मंदिरों में जंगलों में हिमालय की चंद्राओं में खोजते हैं लेकिन किसी ने अपने आप को मालिक नहीं समझा। आप खुद ही मालिक हो, मनुष्य खुद अपना मालिक है, मनुष्य का कोई भी मालिक नहीं है संसार में। इसको समझने की जरूरत है आप मालिक कैसे हो। अगर विष्णु इंद्र वंश के कर्म अच्छे नहीं हुए होते तो क्या उनके इतने मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित होते क्या? नहीं होते ना। उनके कर्मों की देन है, उनके सदाचारों की देन है कि आप सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के उनको श्रद्धा समर्थन सूत्र याद का। इसलिए आप अपना मालिक बनिए, कोई संसार में किसी का कोई मालिक नहीं है, मार्गदर्शक बहुत है लेकिन आपको खुद को अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। और जीवन मनुष्य का जीवन इतना महत्वपूर्ण है जो आपको प्राप्त हुआ है, इसकी महत्वता को समझने की जरूरत है। इसको इतना ये अमूल्य है, अमूल्य ये निधि है, इसको समझने की जरूरत है। मनुष्य का मूल्य क्या होता है? किसी को अपने जीवन का कोई मूल्य पता है क्या? किसी को पता है इस जीवन का? किसी को अपने जीवन का मूल्य पता है क्या? नहीं पता। तो इसको समझने की जरूरत है। कैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे इस जीवन का क्या मूल्य है? इसी तरह से भगवान के पास में एक पर विराजक जाता है, भगवान को नमन करके एक तरफ बैठ करके विनती करके हाथ जोड़ कर कहता है कि हे भगवान, मैं अपने जीवन का मूल्य जानने के लिए आया हूँ, कृपया करके आप मेरे जीवन का मूल्य बताएं। पास में ये पत्र पड़ा हुआ था, भगवान को उठाते हैं और उसको परिव्राजक को दे देते हैं कि लो ये पत्थर और तुम बाजार में निकल जाओ, जो इसका मूल्य तुमको दे देगा वो तुम्हारे जीवन का होगा। लेकिन इसको बेचना नहीं, केवल मूल्य जान लेना। तो वो पत्थर को उठाया, निकल गया बाजार में, और बाजार में जाता है तो पहले फल वाले की दुकानी में जाता है तो उसको देता है कि भैया देख ये पत्थर है इसके मूल्य को तुम बता दो। तो था विक्रेता जो था उसने सोचा कि लगता है कि थोड़ा सा कीमती है, वो 300-400 रुपये का होगा, चलो इसको 2-3 किलो हम फल दे देते हैं। तो कहा कि चलो ठीक है 4 किलो तुम फल ले जाओ। करेंगे 4 किलो फल चाहे 5 किलो ले जाओ। करेंगे 5 किलो फल मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसके मूल्य को तुम बता दीजिए।
सोचते नहीं, बल्कि सोचता है कि लगता है कि महंगा है। करप्शन एक पेटी में ले जा, लेकिन फसल को मुझे दे दो, नहीं बल्कि दो पेटी तीन पेटी देने के तैयार होता, लेकिन नहीं करप्ट नहीं। मैं फल लेने के लिए नहीं आया हूँ, मात्र मुझे ये जानना है कि इस पत्थर का मूल्य क्या है। तो उससे उसकी पट्टी नहीं है, फिर मैं अपना पत्थर लेता वापस, फिर आगे बढ़ जाता। आगे गया तो एक परचून की दुकान पड़ गई, वहाँ बढ़िया का बेटा बैठा हुआ, तो उसके पास में जाता है और जो दुकान वाले के उसको वो पत्थर देता है कि जो कि ये पत्थर देखिए जरा इसका मूल्य को बता। तो बढ़िया थोड़ा चतुर था, देखा है लगता है कि थोड़ा सा महंगा है, दो तीन हज़ार रुपये का होगा। कह रहा तुझे क्या चाहिए? कह रहा मुझे चाहिए नहीं, बस इसके मूल्य को जानना है। तो वो बता नहीं पाता है, लेकिन परंतु सच्चा उसके कपड़ा चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, जो चाहिए तू ले ले, 50 किलो ले ले, 100 किलो ले ले, लेकिन पत्थर को मुझे ले ले। करेक्ट नहीं, मैं पत्थर बेचने नहीं आया हूँ, मात्र उसका मूल्य जानने के लिए आया हूँ। तो उससे भी उसकी नहीं पड़ती है, वो तो पत्थर वापस लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। फिर एक और दुकान में कपड़े की दुकान